करेंगे सीतापुर की, जहां से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सीतापुर में 1,74,00,000 रुपए के बिजली के बिल से भगवानपुर गांव में हड़कंप मच गया। ठेले पर प्याज बेचने वाले के घर में 1,74,00,000 का बिल भेज दिया गया। किसी के घर 54,000 तो किसी के घर पर 50,000 का बिल थमा दिया गया है। बिजली विभाग पर गांव वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद बिजली सप्लाई बहुत कम होने के बाद भी लाखों रुपए का बिल भेजने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने कहीं भी सुनवाई नहीं होने के भी आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में ग्रामीणों की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार शिकायत दी जाती है, लेकिन कोई भी सुनवाई इस मामले में नहीं हो रही है। बिजली सप्लाई बहुत ही कम है इस गांव में, लेकिन उसके बावजूद लाखों का बिल यहां पर भेज दिया गया है। बिजली विभाग पर भी गांव वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं। किसी के घर पर 54,000 तो किसी के घर पर 50,000। और हैरानी वाला बात तो तब हो गई जब ठेले पर प्याज बेचने वाले एक व्यक्ति के घर पर 1,74,00,000 रुपए का बिल भेज दिया गया। तीन तस्वीर आप देखिए। बिजली विभाग पर गंभीर आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। ऐसी लापरवाही क्यों, ये बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। ग्रामीणों की तरफ से अब बेहद आक्रोश इस पर जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि किसी के घर पर 54,000 तो किसी के घर पर 50,000 और एक के घर पर तो करोड़ों का बिल थमा दिया गया। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, 5 साल से लो सप्लाई आ रही है इस गांव में। ये भी आरोप लग रहे हैं कि 5 साल बीत चुके हैं, बिजली सप्लाई बेहद ही कम है और ऐसे में करोड़ों का बिल यहां पर थमा दिया गया है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं गांव वाले लोग आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल सीतापुर शहर से सटे भगवानपुर गांव में 15,000 की आबादी है, करीब 5,600 वोटर यहां पर है और 2,000 मकानों के बीच 700 बिजली के कनेक्शन यहां पर है। गांव के ही यार अली प्याज लहसुन का ठेला लगाकर घर का गुजारा करते हैं। उनकी पत्नी आसिफा के नाम बिजली का कनेक्शन है, जिसका बिल 1,74,00,000 आने के बाद यार अली और उनके परिवार को जोर का करंट लगा है। गाँव वालों का आरोप है कि बिजली नहीं आने पर भी लाखों का बिल यहाँ पर आता है। लो बिजली सप्लाई होने से सिर्फ मीटर यहां पे जलते हैं, बल्ब नहीं जलते हैं, लेकिन इसके बावजूद करोड़ों का लाखों का बिल यहां पर थमा दिया गया है। पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। सीतापुर से सटे ये गांव भगवानपुर का है, रहते हैं भगवानपुर चक्कर घर, और बिल आया था 2.25 करोड़। नाम है मेरा यारली और पत्नी का नाम है साफा, दुल्हन के नाम से पत्नी जो हमारी है। कितने महीने का बिल है? बिल तो अभी जो है तो महीने महीने जमा कर देते हैं, 2 महीने 3 महीने जो तो करता बिल नहीं लगते हैं, बिल जमा कर देते हैं। उसके बाद में 2 ही महीने भी नहीं हुए तो 2.25 लाख आया, 2 करोड़। आपका मीटर तो बंद पड़ा, तो बंद पड़ा चाहे जो कुछ ऐसे ही पड़े तो लाइट ही नहीं तो बंद हो नहीं होना, वो लाइट ही नहीं आ रही है। हमारा बिल निकाले अवन है, 50,000 बिल निकाले ने। मीटर ना चलते, ऐसा समस्या आ रही है कि लाइट तो आ रही है मगर घर तक नहीं पहुंच रही है। मीटर तक आ रही है, घर तक नहीं पहुंच रही है, ना कूलर ना पंखा, मतलब कोई चीज़ की सुविधा नहीं मिल पा रही है। 54,000 रुपया और हर महीने में जमा करते हैं, हर महीने में समस्या यह है। 54,000 आया कहाँ से? हाँ 3 महीने का हम मुस्तरी नाजिम नाम हमारा, अब लाइट आती नहीं। और ये समस्या के इस समस्या के लिए हम लोगों ने, गांव के लोगों ने जा कर के डीएम साहब के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिए, एक्सएल साहब के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिए। जब विद्युत विभाग जाते हैं हम लोग तो वहाँ ये कहा जाता है कि एसडीओ साहब से मिलिए, एसडीओ साहब कहते हैं जय साहब से मिलिए, लेकिन कोई निस्तारण ठीक से हो ही नहीं पा रहा है। एक नाजिम भाई हैं, उनका 2 महीने का बिल 54,000 कर दिया गया। एक सलाम है, बहुत से ऐसे नाम हैं, फिरोज हैं, काफ़ी ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके बिल 1 महीने के 4,000, कहीं 3 महीने के 10,000 इस तरीके से बिल आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों के इस सवाल आपने सुन लिए। ग्रामीणों के इन सवालों को लेकर ही एबीपी गंगा की टीम बिजली विभाग के दफ्तर पहुंची। हमने अधिशासी अभियंता विद्युत रमेश कुमार से पूछा कि आखिर गरीबों के करोड़ घर में करोड़ों रुपए के बिजली के बिल कैसे भेजे जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इस मामले का हल हो गया है, 1,74,00,000 रुपए के बिल की जांच कर मामले को सुलझा भी लिया गया है। यार अली का बिल सिर्फ 700 रुपए का था, गलती से 1,74,00,000 का बिल भेज दिया गया, लेकिन बड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। ऑनलाइन बिल बनाने में प्रोब से बिल बनाया जाता है हमारे यहाँ, तो उसमें गलती से डिमांड गलत वो डाउनलोड हो गया, उस डिमांड करीब 16,00,000 पड़ गया था उसमें, जिसकी वजह से बिल 2.25 करोड़ का बन गया था।
फिर हम लोगों ने सिस्टम पे उसको देखा, स्वतः संज्ञान लिया और 7 तारीख में 7 मई को मीटर रीडर से बात करके वो बताया कि बिल डिमांड गलत पड़ गया है, उसको हम लोगों ने रिवाइज कर दिया और वो बिल 744 रुपये का हो गया। वो उपभोक्ता ने आज जमा भी कर दिया है। ये इस तरह के मामले बहुत ही रेयर होते हैं, पूरे डिवीजन में कभी एक गलती हो जाती है। और इस खबर पर अधिशासी अभियंता विद्युत रमेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, क्योंकि भगवानपुर गांव का ये मामला आपके संज्ञान में भी आ चुका है, 5 साल से यहां पर बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि मीटर चलते हैं लेकिन कोई बिजली वहां पर नहीं चलती है, बल्ब नहीं चलते हैं, लेकिन बिजली के बिल 50,000 तो करोड़ों में आ रहे हैं यहाँ पर, इतनी बड़ी लापरवाही सर? नहीं, ऐसा नहीं है। शहर से लगा हुआ गांव है भगवानपुर, वहाँ पे इंजनों द्वारा फ्लटर द्वारा क्रॉसिंग कराई गई है और फ्लटिंग के दौरान वहाँ के इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित कोई भी काम नहीं कराया गया है। जो भी प्लॉटर थे वो केवल अपने प्लॉट को उन्होंने चेंज कर दिया है और बिजली संबंधी वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं कराया। अब वहाँ पे 150 या 100 मीटर की डिस्टेंस पे लोगों ने कनेक्शन को ले रखा है लेकिन अभी तक वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। ठीक है सर, लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना सर, क्योंकि करोड़ों का बिल यहाँ पर भेज दिया गया है, इसमें सवाल ये है सर कि बिजली का बिल इतना भेजा कैसे गया? नहीं, ये बिल तो देखिए ऑनलाइन सिस्टम से डाउनलोड किया गया है तो उसमें सिस्टम की गड़बड़ी से वो डिमांड उसके ज्यादा ले लिया है। 16,07,121 किलो वाट का उसमें डिमांड कर दिया जिसकी वजह से बिल 2 करोड़ का बन गया, लेकिन उसको सिस्टम पे देखा गया, संज्ञान लिया गया और उसको लाइक कर दिया गया 744 से। 7 तारीख में ही हो गया था 7-5। रमेश जी, क्योंकि हमारी टीम खुद उस गांव में पहुंची, लोगों से बातचीत की और लोगों का ये भी कहना है कि पिछले 5 सालों से यहां पर बिजली नहीं आ रही है, बहुत लो सप्लाई है बिजली की। नहीं, बिजली है, मैं कल गया भी था वहां, वहां का देखा भी, सर्वे भी किया, मैक्सिमम लोगों से बात भी करी, पूछा भी हमने, तो वो दिक्कतें इस वजह से कि वो प्लॉटिंग बाद में वो प्लॉट कटे हैं, प्लॉटिंग हुई है, लेकिन जो बिल्डर है या जो प्लॉटर है उसने कभी वहाँ पे बिजली के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कोई काम नहीं कराया उसको। और अलग से अधिकृत कंज्यूमर को अगर इस्टीमेट दिया जाता है तो तैयार नहीं होते हैं उसके लिए, तो इस वजह से थोड़ी बिजली की समस्या है। लेकिन अभी हमारे यहाँ कोई स्कीम आता है तो उसमें हम उस गाँव को लेकर के इलेक्ट्रिफिकेशन कराने से कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे उस पर। लेकिन सर, लोग तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि शिकायत करने भी वो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती इस मामले में? नहीं, सुनवाई बिल्कुल होती है, सुनवाई तो नहीं थी, मेरे पास आते हैं तो वो तो क्रम से नीचे जाएगा ही ना, फिर मैं एसडीओ को बताता हूँ, उनको अवगत कराता हूँ कि इस गांव में ये समस्या है, इसको देते हैं, वो फिर एफआईआर कराते हैं जी से भी, अल्टीमेटली तो नीचे निचले स्तर पर जाएगा ही ना उस चीज़ को ठीक करने के लिए, फिर मेरे पास रिपोर्ट आती है, बताया जाता है फिर। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि समस्या का समाधान आप कर भी रहे हैं, आगे होगा भी, क्योंकि अब इस वक्त दर्शक आपको सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सभी ग्रामीण जिनकी ये शिकायत है, आप उनको ये निश्चित तारीख बता दीजिए या फिर ये बता दीजिए कब तक ग्रामीणों की समस्या का हल हो जाएगा जो भी शिकायतें उन्हें हैं। देखिए, आप वहाँ पे नए सिरे से इलेक्ट्रिफिकेशन तो बहुत जल्दी आसानी से इसमें नहीं हो सकती, लेकिन अभी जो RDSS स्कीम है उसमें कुछ ना कुछ कराने का प्रयास किया जाएगा और पहले से बेहतर कराने की व्यवस्था कराई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश जी तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर करोड़ों का बिजली का बिल भेज दिया गया, इसके बाद ग्रामीणों में बेहद गुस्सा देखा जा रहा है, ऐसे में कई सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं और सवाल ये कि जब बिजली की सप्लाई कम है तो बिल ज्यादा कैसे भेजा गया? हर महीने गरीबों की झोपड़ी में हजारों रुपए के बिल की वजह आखिर क्या है? 5 साल से लो बिजली है, सप्लाई का समाधान आखिरकार कब होगा? अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये बड़े सवाल यहाँ पर है। चौथा सवाल, जब बिजली की पूरी सप्लाई नहीं है तो बिल की वसूली यहाँ पर क्यों की जा रही है? ग्रामीणों की समस्या का समाधान आखिरकार कब तक होगा, ये पांचवा बड़ा सवाल जो एबीपी गंगा के खड़े हो रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।